हेलो फ्रेंड, दिस इज विहान। बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि आपके लिए इन एग्जाम के लिए टीचर्स हम हायर करने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप कोचिंग ले सकते हैं। देखिए, आप सभी को क्लियर है कि हमीरपुर बोर्ड करता क्या है। हर साल ऑडिटर का एग्जाम निकालेगा, जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम निकालेगा, जोए अकाउंट की एग्जाम निकालेगा, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के एग्जाम निकालेगा। आपको क्लियर है, लेकिन आपको ये बातें क्लियर नहीं होगी कि आखिर ये टॉपिक्स सब टॉपिक्स रहते क्या हैं, इनका ऑब्जेक्टिव्स मेन मोटो है क्या। आपके लिए पहली बार टीचर्स हायर होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपको कहीं जाने पर ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी नहीं। लेकिन होगा कैसे, आपको यहाँ पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा, लेकिन आपको व्हाट्सएप पे ये बताना पड़ेगा कि आपको सच में टीचर्स की ज़रूरत है इन एग्ज़ाम के लिए, तभी हम हायर कर पाएंगे। क्योंकि इन एग्ज़ाम के लिए टीचर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा, आप मान नहीं सकते, एक एक लाख रुपए, डेढ़ डेढ़ दो दो लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं इन एग्ज़ाम को करवाने के लिए। लेकिन हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इन एग्ज़ाम की कोचिंग आपको देने वाले हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा, एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। चाहे ऑडिटर का एग्ज़ाम है, जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम है, जो ये अकाउंट की बात है, ठीक है। क्योंकि HPG की आपकी टीम पिछले 4 से 5 साल से सिर्फ हिमाचल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवा रही है। दुख होता है जब हिमाचल का बच्चा कहीं बाहर जा रहा है, 30-30 हज़ार रुपये लगा रहा है, मत लगाइए, कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन एक बार यहाँ पर व्हाट्सएप करके आप अपनी डिमांड बता सकते हैं, क्योंकि डिमांड आपकी ज़्यादा हुई तभी टीचर्स हायर यहाँ पर हो पाएगा, क्लियर। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ऑडिटर का एग्जाम, बिल्कुल सिलेबस ब्रीफली टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ब्रीफली, और आपको बताऊंगा कि HPSSC हमीरपुर बोर्ड की स्ट्रैटेजी क्या रहती है एग्जाम के लिए, मॉडिफाइड किस तरह से होता है। मैं आपको यहाँ पर सैंपल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये नंबर वन पॉइंट। अब देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चन होगा आपका, आपको क्लियर है कि मीनिंग, स्कोप, इम्पोर्टेंस जो भी है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, कंसेप्ट्स हो गए, कन्वेंशंस हो गए, डबल एंट्री सिस्टम, प्रेपरेशन ऑफ जर्नल्स, सब्सिडरी बुक्स इंक्लूडिंग कैश बुक, आपको क्लियर है, आपने थ्योरी भी पढ़ ली, आपने सब कुछ कर लिया कि एग्जाम निकल जाएगा। मैं बोल रहा हूँ नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि आपके पास मॉडिफाइड क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव कोर्स, आपका टेस्ट, आपके पास मॉक टेस्ट, आपके पास रिपीटेड क्वेश्चंस, आपके पास हाईलाइट क्वेश्चंस, आपके पास अदर स्टेट के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस इस ऑडिटर एग्जाम से बन रहे हैं, आपके पास नहीं है। अगर है भी, तब भी कहीं ना कहीं लूप होल का कहाँ पे होगा टेस्ट में, क्योंकि आपने खुद को एनालाइज ही नहीं किया इस एग्जाम के लिए। ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपको पेपर निकालना है तो, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। सेकेंड पॉइंट में इंपॉर्टेंट क्या है, आपका लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, प्रेपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स है, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका सोल ट्रेडर्स एंड पार्टनरशिप फर्म, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, उठा लीजिए कोई भी प्रीवियस पेपर, आपको पता है यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। डेप्रिशिएशन इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट के ऊपर चलेंगे। थर्ड पॉइंट देखिए, अकाउंट्स रिलेटिंग पार्टनरशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे इसमें रिटायरमेंट की बात है, डेथ की बात है, ठीक है, एडमिशन पार्टनर्स की बात है, ठीक है, आप इन चीज़ों को नहीं छोड़ सकते हैं, सेल ऑफ फर्म टू अ कंपनी की बात है, फर्म्स है, आप के पास ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस की कमी है। अगर हमीरपुर बोर्ड का एग्जाम निकाला तो ऑब्जेक्टिव ले लेना, व्हाट्सएप करके एक बार डिटेल पूछ लेना। अगर किसी स्टूडेंट को इन एग्ज़ाम के लिए हमारी स्टूडेंट हेल्पलाइन से बात करनी होगी तो फ़ोन पे बात भी कर लेना, ठीक है। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपने ये पेपर निकाला है तभी आप व्हाट्सएप करना, आपके अंदर भी थोड़ा सा जुनून होना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, फोर्थ पॉइंट के ऊपर आइए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे इसमें जर्नल लेजर की बात करें, ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से वेंचर अकाउंट की बात होती है फिफ्थ पॉइंट से। लेकिन क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स आपके पास सबसे ज़्यादा होना चाहिए अगर आपने हमीरपुर बोर्ड का निकालना है। नोट्स थ्योरी से काम नहीं चलेगा, नोट्स थ्योरीज भूल जाइए, ये आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करवाते हैं,
लेकिन ये कभी मत सोचना कि एग्जाम पास करवाएंगे। एग्जाम पास होगा ऑब्जेक्टिव से, एमसीक्यू से, टेस्ट से, इंपॉर्टेंट से, हाईलाइट से, प्रीवियस से, रिपीटेड से। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे 7 पॉइंट की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पैकेज इंपॉर्टेंट। बताइए यहां से किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम्स है, आपका वीक पॉइंट क्या है, आपको अपने वीक पॉइंट भी देखने हैं। नहीं पता लग रहा है, व्हाट्सएप करिए टीम से, आप फोन पे बात भी कर सकते हैं। वीक पॉइंट बताइए, अपने बारे में बताइए, कहां पे प्रॉब्लम्स आ रही है, तभी एग्जाम निकलते हैं। 5 साल से एचपीजी की आपकी टीम, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस से बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, वेटनरी डॉक्टर्स की बात करें, फार्मासिस्ट की बात करें, इस लेवल तक कोर्सेज और क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करवा चुके हैं स्टूडेंट्स को। चाहे जेबीटी कमीशन की बात करें, टीचर्स की बात करें, या फिर अलाइड एचएसएनटी की बात करें, क्लर्क की बात करें, आपको पढ़ना वो जो इंपॉर्टेंट है। 8 पॉइंट के बाद के ऊपर डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, रिडेम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहता है आपका हमेशा से ही, फॉर फीचर्स एंड री इश्यूज ऑफ शेयर्स, भूल नहीं सकते आप इन टॉपिक्स को। ये इतना वास्ट है कि क्या रीड करें, कहां से पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या आएगा, क्या पूछ लेगा हमीरपुर बोर्ड। एचपीजी की आपकी टीम भी हमीरपुर से है, हेडक्वार्टर हमीरपुर में है, पिछले 4 से 5 साल से हम तैयारी करवा रहे हैं कॉम्पिटेटिव की। 9 पॉइंट के ऊपर आएंगे फाइनल अकाउंट्स में आपका, इंक्लूडिंग कंप्यूटेशंस ऑफ। देखिए यहां पर जो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इसमें आपका डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। 10 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, इसमें आपका चाहे मैं कंपनीज एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करूं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस की बात करूं, ये टॉपिक हाईलाइट है। ये बाकी तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, आपको सारे ही पढ़ने पड़ेंगे, कब कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये कर लिया बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए व्हाट्सएप कर लेना ऑब्जेक्टिव्स के लिए। जीके भी आपको मैं यहां पर प्रोवाइड करवाने वाला हूं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके बिना ऑडिटर एग्जाम ही अधूरा है, इसके बिना ऑडिटर एग्जाम बिल्कुल अधूरा है, पास नहीं हो पाएगा अगर ये टॉपिक्स अगर आपके क्लियर नहीं है तो। अकाउंटिंग मीनिंग डेफिनेशन नेचर ऑब्जेक्टिव्स स्कोप फंक्शंस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल सारा आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स के लिए व्हाट्सएप कर लेना, और अगर आपकी भारी डिमांड हुई तभी टीचर्स को हायर करेंगे, क्योंकि अगर हम इतना पे किसी टीचर्स को करेंगे तो आपका रिस्पॉन्स चाहिए पहले तो, ठीक है। आपका अच्छा रिस्पॉन्स होगा, आपकी भारी डिमांड होगी, टीचर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग की बात हो रही है, मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें आपके टूल्स हो गए, एडवांटेज हो गए, लिमिटेशंस मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, ये सारा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चाहे इसके कॉन्सेप्ट्स की बात करें, नेचर्स ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल टेक्निक्स, ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट कॉमन साइज रेशियो एनालिसिस ये इंपॉर्टेंट है, रेशियो लिक्विडिटी, ठीक है, ये चीजें आपकी छूटनी चाहिए। इसका 4th पॉइंट के ऊपर आएंगे फंड फ्लो एनालिसिस, ये सारा टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। ये टॉपिक्स हैं, यहां से क्वेश्चंस बनेंगे, क्वेश्चंस होगा डेप्थ में मॉडरेट, इसका बहुत टफ एग्जाम होता है, मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल जाता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहां पे कैश फ्लो एनालिसिस, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की, ये सारा टॉपिक्स के साथ क्वेश्चंस हाईलाइट रहते हैं। एचपीजी के आपकी टीम के जितने भी मेंबर्स हैं सरकारी पदों के ऊपर हैं, सुबह काम करते हैं सरकार का, शाम को आपके लिए टाइम निकालते हैं, चाहे टेस्ट की बात है, नोट्स की बात है, एमसीक्यूज की बात है,
अगर आपको भी एचपीजी की आपकी टीम का मेंबर बनना है तो सबसे पहले आपको एग्जाम पास करके सरकारी पोस्ट के ऊपर जाना पड़ेगा, तब आप कहीं ना कहीं एचपीजी कैंप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे अकाउंटिंग ऑफ फॉर मटेरियल की। जब भी बात होती है इसके लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपका ऑब्जेक्टिव्स एंड टेक्निक्स, ये अब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस होंगे, चाहे मेथड्स ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इश्यूज की बात करें, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल लॉसेस की बात करें, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस हाईलाइट रहेंगे। अकाउंटिंग फॉर लेबर, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना भी क्वेश्चंस अधूरे हैं आपके। ठीक है, कितना पढ़े, कहाँ से पढ़े, नहीं पता लग रहा है, व्हाट्सएप कर लो, ठीक है, पूछ लो, टीम से बात कर लो एक बार, हो सकता है आपकी लाइफ बन जाए। अगर जब तक आप अपने वीक पॉइंट नहीं बताएंगे, जब तक आप खुल के नहीं बोलोगे कि मुझे ये चीज़ें में प्रॉब्लम है या ये चीज़ें मेरी स्ट्रांग होनी चाहिए, या फिर फर्स्ट टाइम आपका एग्जाम है, या फिर आपको पता नहीं है, जब तक बात नहीं करोगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, स्टूडेंट हेल्पलाइन टीम भी है, आप बात भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स मीनिंग क्लासिफिकेशंस की बात हो रही है। ठीक है, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपके। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आएंगे, सीवीपी एक बार देख लीजिए, आप खुद भी इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है व्हाट्सएप करो। मार्जिनल कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट डिसीजंस इंपॉर्टेंट है इसका टॉपिक्स भी। ठीक है, ये भी अच्छे से पढ़ना है आपको। क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स आपके पास होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए व्हाट्सएप करो, टेस्ट के लिए व्हाट्सएप, मॉक टेस्ट के लिए, या फिर किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए व्हाट्सएप करो। एक बार ये देख लीजिए, बजटिंग फॉर प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल, इसका लिमिटेशंस हो गया, प्रिपरेशंस ऑफ फंक्शंस होंगे, बजट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरियंस एनालिसिस, इसका मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसका पार्ट टू देख लेते हैं एक बार। आपको क्लियर है कि जनरल इंग्लिश आएगी 10+2 स्टैंडर्ड की, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, टेस्ट आपको मिल जाते हैं जिससे आप अपनी तैयारी को देख सकते हैं। हिंदी मैट्रिक स्टैंडर्ड की आएगी, ठीक है, समास कारक, ठीक है, सर्वनाम विशेषण वगैरह वगैरह, मुहावरे वगैरह, संधि विच्छेद, 3 घंटे की मास्टर क्लास है रिकॉर्डिंग फॉर्म में, 2 सेकेंड ट्रिक बताया गया है, क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा, आंसर बिल्कुल फुटबॉल की तरह नजर आएगा, क्योंकि ज़्यादा ग्रामेटिकली हिंदी में नहीं जाना है, ट्रिक्स से पढ़ना। ठीक है, जीके हिमाचल प्रदेश का हो या फिर इंडिया का, इंडिया में आपको एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये पढ़ के जानी पड़ेगी। जीके में आपको आर्ट एंड कल्चर सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ज्योग्राफीज की, हिमाचल की अच्छे से आपको क्लियर कट होनी चाहिए। ठीक है, एवरीडे साइंस, आपके पास अच्छे क्वेश्चंस होने चाहिए, जो टॉप 10 मैगजीन्स क्वेश्चंस हैं पिछले प्रीवियस 1 साल और 6 मंथ के। ठीक है, एवरीडे साइंस क्वेश्चंस ये आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। सोशल साइंस और करंट अफेयर्स एंड लॉजिक, करंट अफेयर्स आपको हमीरपुर बोर्ड एग्जाम के लिए कम से कम 8 महीने का तो पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपकी अपॉइंटमेंट्स हुई, MOUs हुए गवर्नमेंट के, या फिर अवार्ड्स क्वेश्चंस हुए, या फिर डेथ अगर किसी पर्सनैलिटीज़ की हुई है तो वो किस बैकग्राउंड से था, उसका इतिहास क्या था, उसका काम क्या था, अगर उसको कोई अवार्ड मिला है तो किस पर्पज़ से मिला है, ये सारी चीज़ें हमारे प्रोवाइड के लिए एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स में कोर्सेज अवेलेबल हैं, जूनियर अगर ऑडिटर की बात करें, जूनियर अकाउंटेंट की बात करें, जोआ अकाउंट की बात करें, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की बात करें, सुपीरियर कोर्स अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आपको फ्री चाहिए तो कमेंट करिए भारी से भारी डिमांड पे, या फिर व्हाट्सएप करिए भारी से भारी डिमांड पे कि आपको फ्री टीचर्स चाहिए। हम आपको फ्री टीचर्स भी यहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे, यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना। अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स कोर्स चाहिए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स, नोट्स, एमसीक्यूज, टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस पेपर, ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए, सिंपली व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के सिलेबस की। आज हमने ऑडिटर का क्लियर कर लिया है, अब हम अकाउंट्स की बात करेंगे। इसके बाद हम प्रीवियस पेपर्स भी डिस्कस करेंगे, टॉप
टॉपिक्स देखेंगे, कहाँ से टॉपिक्स बन रहा है, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहा है, किस तरह से आ रहा है इन एग्जाम के लिए। हाँ, पेपर बोर्ड का सेटअप क्या रहता है। चैनल पर पहली बार जुड़े तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।